चलिए शाह जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो सीधे सीधे एसपी साहब का ये कहना है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन तस्वीरें आप ईटीवी पर साफ तौर पर देख सकते हैं, सैकड़ों लोग मौजूद थे जमीन पर, ये महिला मौजूद है, लेटी हुई है, धक्का इतना बुरी तरीके से दिया कि वहीं वो गिर पड़ी। और दूसरी महिला जो आप देख रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल है, सफेद सूट में जो दुपट्टा डाले हुए हैं, यही वो महिला कांस्टेबल है। मामला ये था कि वहां पर हाथ ठेला वालों को ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो महिला जिसकी पिटाई और बरगलाया जा रहा था कि यहाँ से हटाया ना जाए, जबकि कांग्रेसियों का ये कहना है, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है ये, कि हम सिर्फ ज्ञापन देने पहुंचे थे और पुलिस ने इस तरीके से व्यवहार किया। कार्रवाई की जाएगी कि नहीं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल तस्वीरों में देख लीजिए पुलिस का ये बर्बर चेहरा। फिलहाल यहाँ पर रुकना, एक ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। हटाने की कार्रवाई जारी थी, इसके खिलाफ फल व्यापारी विरोध दर्ज कराने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे और सड़क जाम कर दी। इन लोगों के समर्थन में पहुंची वहां पर जिला महिला कांग्रेस के अध्यक्ष उर्मिला गुर्जर वैकल्पिक जगह देने की मांग इनके साथ में कर रही थी, और इसी दौरान पुलिसकर्मियों से इनकी झड़प हुई और सादी वर्दी में तैनात महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें जमकर पीटा। तस्वीरें आपके सामने, एक महिला नेत्री की जमकर और बेदम पिटाई की गई है। फल व्यापारियों को हटाने का एक नई जगह देने की मांग के साथ में जब नेता पहुंचे वहां पे, तो एक महिला, वो भी महिला पदाधिकारी के साथ में, इस तरह की हरकत पुलिस की अधिकारी कर्मचारी ने किए। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं अपने सहयोगी दुष्यंत सिकरवार का। दुष्यंत, बताएं, जिस तरह तस्वीरों में दिखाई पड़ रहा है, पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठेंगे? बिल्कुल पुनीत, मैं आपको बता दूं, उर्मिला गुर्जर मुरैना से महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष है और नगरपालिका ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चालू कर रखा है इस समय। इसी कड़ी में जब आज मुख्य मार्केट में जो हाथ ठेले, फल के हाथ ठेले लगते हैं और उनको वहां से हटाने के लिए नगरपालिका ने आदेश जारी किया, तो ये हाथ ठेले वाले सभी लोग अपने हाथ ठेलों के साथ जिला कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंच गए और वहां पर एमएस रोड पर जाम लगा दिया। इनका नेतृत्व कर रही उर्मिला गुर्जर जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी देना चाहती थी, उनकी सिर्फ यही मांग थी कि इनके हाथ ठेलाओं को अपना व्यापार करने के लिए एक वैकल्पिक स्थान दिया जाए जहाँ पर ये अपना व्यापार चलाकर अपने परिवार को पालन पोषण कर सके। लेकिन वहीं पास में ही खड़ी दो महिला आरक्षक जो कि सिविल ड्रेस में थी, उन्होंने अचानक महिला कांग्रेस अध्यक्षा पर उसके साथ मारपीट की और वहां पर पुलिस के और प्रशासन के सारे वरिष्ठ अधिकारी मुरैना के SDM पंकज शर्मा और रघुवंश भदौरिया एडिशनल SP खड़े रहे, उनके सामने मारपीट होती रही। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इन वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें अपने आरक्षकों को रोका भी नहीं कि आप एक महिला नेत्री के साथ इस तरह की बर्बरता कर रहे हैं। जी, जिस तरीके की तस्वीरें हैं, ये हंगामे के लिए वहां पर काफी हो सकती थी, क्योंकि कांग्रेस की नेत्री हैं, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष है उर्मिला, उनके साथ में इस तरह के बर्ताव के बाद जाहिर तौर पर कांग्रेसियों में और वहां के लोगों में गुस्सा हो सकता है। अभी क्या स्थिति है, क्या हंगामा शांत हो गया? अभी जहाँ तक हमने पहले इस पूरे मामले में वरिष्ठ अधिकारियों से बात करने की चाहिए, तो कोई भी वरिष्ठ अधिकारी मीडिया के सामने इस पूरे मामले पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से बच रहा है। दूसरा, जब हमने कांग्रेस के बड़े जिला अध्यक्ष राकेश मावी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने खुद को भोपाल होना बताया और उन्होंने कहा कि सारी सूचना मिल गई है, कल आकर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लूंगा और आगे की रणनीति उसी में तय करूंगा। क्या जो जिस बात को लेकर के तमाम लोग विरोध कर रहे थे, इस बाबत एक ज्ञापन सौंपने गए थे, क्या वो ज्ञापन सौंप पाए, अपनी मांगों को रख पाए? जी नहीं, ज्ञापन सौंपने से पहले ही इस तरह की कि पुलिस द्वारा की गई बर्बरता सामने आ गई और पुलिस के दो आरक्षकों, महिला आरक्षकों ने मिलकर महिला जिला अध्यक्षा के साथ मारपीट की। पुनीत जी, इससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, ये मुरैना पुलिस का पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व भी जब संसद में घूसकांड उछला था, उस समय मुरैना के तत्कालीन मुरैना लोकसभा से अशोक अरगल जी सांसद थे BJP से, तो जब वो संसद में घूसकांड में नोटों की गड्डियां उछालते दिखाई दी, तो जिला और उसके बाद में संसद से जब लौट कर दिल्ली से मुरैना आ रहे थे तो उनका विरोध करने के लिए पूरी जिला कांग्रेस कमेटी स्टेशन पर उनका उन्हें काले झंडे दिखाने के लिए गई थी, तो उस समय भी तत्कालीन महिला जिला कांग्रेस की अध्यक्ष शोभा तिवारी को भी पुलिस द्वारा काफी लाख रोड पर सड़क पर डालकर लाख कूदों से मारपीट की गई थी। ये दूसरा मामला है, कह सकते हैं कि ये पुलिस का बर्ताव एक आदत सी बनती जा रही है कि वो
नेताओं के साथ में इस तरह का व्यवहार करे। उर्मिला गुर्जर महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष, उनके साथ में किस तरह का बर्ताव वहाँ पर जो महिला पुलिसकर्मी तैनात थी उन्होंने किया है। यहाँ पर फल व्यापारी विरोध कर रहे थे, उनको हटाने का एक नई जगह की मांग कर रहे थे, ज्ञापन सौंपने गए थे कलेक्ट्रेट के सामने, तमाम वरिष्ठ अफसरों के सामने। इस तरह का महिला पुलिसकर्मियों द्वारा एक महिला के साथ में बर्ताव वही महिला नेत्री के साथ में चौंकाने वाला है, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है। चलिए, तो ये तस्वीर थी मुरैना की, जहां पर मुरैना पुलिस पहले से बदनाम है इस तरह की हरकत होती है। इस पर अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश दाखिले की दिक्कत।